माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम डाल आप यू एट पटेल कोचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ मिस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का एक मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मेथड क्या बोलता है, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल टू सॉल्व द पावर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब हम लोग एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब उसके जगह में रखते हैं, ताकि जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है वो सॉल्व हो जाए। अब लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, दो वेरिएबल होते हैं, तो दो वेरिएबल में एक वेरिएबल को अगर दूसरे वेरिएबल के जैसा बना के लिख दें तो क्या होगा, एक वेरिएबल का इक्वेशन मिलेगा और एक वेरिएबल के इक्वेशन से फिर हम उस वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर वो वेरिएबल हमको फाइंड आउट हो गया है तो हम लीनियर इक्वेशन में, किसी भी एक लीनियर इक्वेशन में उसका वैल्यू को डाल देंगे तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझा रहा हूँ। हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, ठीक है, इसे इक्वेशन वन दे देते हैं, और दूसरा ले लेते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री, इसे इक्वेशन हम लोग टू दे देते हैं। अब बच्चों देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स इक्वल टू वाई प्लस थ्री। अब देखिए, इक्वेशन टू से हमने क्या कर लिया, एक्स को वाई के फॉर्म में ले लिया, वाई इधर ट्रांसफ़र हुआ तो माइनस था तो प्लस हो गया, और ऑलरेडी यहाँ पे प्लस थ्री था। तो यहीं पे देखिए, एक्स इक्वल टू वाई प्लस थ्री जो है, यही सब्स्टिट्यूशन है। क्या किया हमने, एक्स को वाई के फॉर्म में ले लिया। अब नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू वाई प्लस थ्री इन इक्वेशन वन। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन वन में है ना, इक्वेशन वन में हम लोग x की जगह क्या लिख देंगे, y प्लस थ्री। तो चलिए पुट करते हैं, y प्लस थ्री प्लस वाई इक्वल टू टू, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू टू। अब देखिए, प्लस थ्री को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग तो माइनस थ्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू आई इक्वल टू टू माइनस थ्री। हम और सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका टू आई इक्वल टू माइनस वन, और लास्ट में टू इंटू वाई है तो टू उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टू। ठीक है बच्चों, तो वाई का वैल्यू क्या गया, माइनस वन अपॉइंट टू। अब क्या करेंगे, वाई के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू इन इक्वेशन वन। अब देखिए, तो एक्स प्लस वाई की जगह में माइनस वन बाई टू इक्वल टू टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो एक्स माइनस वन बाई टू इक्वल टू टू। अब वन बाई टू किधर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये प्लस वन बाई टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू टू प्लस वन बाई टू। अब देखिए, इसको टू आई वन कर देंगे तो वन और टू का एलसीएम टू हो जाएगा, तो वन टू जा टू, तो इसमें क्या आ जाएगा टू इंटू टू प्लस टू वन जा टू, तो यहाँ पे हो जाएगा वन इंटू वन, ये हो जाएगा फोर प्लस वन बाई टू इक्वल टू फाइव बाई टू। सो नाउ वी हैव एक्स इक्वल टू फाइव बाई टू एंड वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू आफ्टर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है उसको सॉल्व किया। तो बच्चों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमेशा की तरह आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।